आगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में आज एक खास बात का ऐलान किया गया है, और वो ये कि यूपीआई की मदद से अब आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। क्या कुछ ऐलान हुए, इसका क्या असर है, किन शेयरों पर है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान। अरमान बताइए, यूपीआई के जरिए अब जो कार्ड से पेमेंट किया जा सकेगा, इसकी क्या मायने है, किस पर असर पड़ेगा? देखिए सर, सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये कि जो रुपया के क्रेडिट कार्ड का अब जो यूज़ बढ़ेगा, तो कौन सी कंपनियां या कौन से ऐसे हैं जो रुपए का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी इशू कर रहे हैं, तो उस सूची में आपको जो मैक्सिमम नाम दिखेंगे वो पीएसयू बैंक्स के दिखेंगे और एसबीआई कार्ड्स के दिखेंगे। जब आप रुपए की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि किन किन कंपनियों के नाम दिख रहे हैं आपको, पीएनबी, आईडीबीआई, यूनियन बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, बीओबी, ऐसे आपको दिखेंगे जो इनके मुख्य नाम है। फिलहाल में जो रुपए क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर है वो फिलहाल 20% है। अब उसी के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, जो इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहा है कि क्या अब जैसे आप पहले, आप अगर मान लीजिए जो जो टमाटर की बात जो हमारे गवर्नर साहब ने कही थी उसके साथ आप ये भी लिंक कर सकते हैं कि अगर अब मुझे मार्केट में टमाटर भी जाके खरीदना है ना, तो मैं अब उसको क्रेडिट कार्ड से, मैं जितना इजिली हैजल फ्री डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, वैसे मैं यूपीआई से भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूं। तो इससे क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है वो काफी तौर पर बढ़ने के साथ साथ है। अब उसके साथ एक तर्क यह आया था कि गूगल पे ने ऑलरेडी मास्टर कार्ड के साथ ये टाइप कर रखा है क्रेडिट कार्ड का, तो अगर उसमें अच्छी बढ़ोतरी नहीं मिली तो इनको इससे क्यों बढ़ोतरी मिलेगी। उसका लॉजिक यह है कि जो गूगल ने जो टाइप किया था उसमें एक चीज है कि आप जब आप उसको टोकनाइजेशन बोलते हैं, पर उस प्रोसेस में होता क्या है कि जब आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, पर उसमें आपको ट्रांजेक्शन एक बार तो आपने डिटेल डाल दी, पर उसके बाद वापस आपको बार बार सीवीवी और ओटीपी वो वापस डालना पड़ता है, तो वो मतलब वो टाइम को एक्सटेंड कर देता है, इस कारण वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब जो है, अब मैं जैसे मैं डेबिट कार्ड के लिए सिर्फ एक मेरे यूपीआई पासवर्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करता हूं, वैसे ही कर लेता हूं, तो उस कारण जो पेमेंट गेटवे है जैसे पेटीएम है, हो सकता है इनको भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ मिले। ओके, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये सेफ्टी वाइज भी सर अगर आप सोचें तो ये बेटर है, क्योंकि अभी तक आपका बैंक अकाउंट लिंक था, डेबिट कार्ड लिंक था, मिसयूज हुआ तो आपका सीधा अकाउंट से पैसा जा रहा है, फिर वो ब्लॉक होगा, रिवर्सल प्रोसेस है। करेक्ट। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो रहा है तो वो सेफ्टी वाइज थोड़ी सेफ्टी बढ़े। सो बेसिकली अभी हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो या तो हमें स्वाइप करना होता है, कई दुकान पे या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, दूसरा तरीका हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब बदलाव क्या होगा? सर अब बदलाव ऐसा है कि जैसे अब मैं ऑनलाइन अगर जैसे मैं यूपीआई के थ्रू क्या होता है कि अगर मैंने एक बार मैं डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दी तो उसके बाद अब मैं जोमेटो पे ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ मेरा यूपीआई का पासवर्ड डालना है और ट्रांजेक्शन हो गया, बस बार बार वो स्वाइप करने की, बार बार डिटेल डालने की जरूरत, और उसके साथ साथ ग्रिड देने की जरूरत, ओटीपी देने की जरूरत। एक्जैक्टली। और सर उसके साथ साथ अब मैं जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ कहीं पर भी अगर कुछ भी खरीद रहा हूँ, मान लीजिए समोसा भी खरीद रहा हूँ, तो अभी तो क्या है मैं यूपीआई से ट्रांजेक्शन स्कैन कर रहा हूँ तो मेरे डेबिट कार्ड से कट रहा है, तो अब ये डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड भी लिंक हो जाएगा, तो मतलब मैं समोसे जैसी चीज भी मैं क्रेडिट कार्ड खरीद कर सकता हूँ। स्मॉल टिकट, हाँ, मतलब 10 रुपए की कटिंग चाय भी पीनी है तो भी आप आराम से उससे भी लो। समोसा थोड़ा महंगा आता है। मतलब छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन अब क्रेडिट कार्ड पे होने लगे। सर उसमें एक एक और तर्क जो सुनने में आया वो ये चीज है कि लॉजिकल भी लगा जो सुनने के बाद कि अगर जैसे मेरा जो डेबिट कार्ड का है वो तो मेरा सेविंग अकाउंट में है पैसा, और सेविंग अकाउंट पे तो ब्याज मिलता है, और क्रेडिट कार्ड में मेरे को 30-45 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता, तो मैं ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड की जगह जो सेविंग्स अकाउंट में करूं उससे तो क्रेडिट कार्ड में कर लूं, क्योंकि 30-40 दिन तक मेरे को उस पर ब्याज भी नहीं लगना, और यहाँ पे तो मेरे को ब्याज मिलेगा भी सेविंग अकाउंट पर। जिंदगी में सारी बुरी आदतें हैं ना जो लगती है वो मुफ्त में लगती है, पहले आपको अपने दोस्त को कुछ मुफ्त में खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर आदत पड़ जाती है, यही क्रेडिट कार्ड वालों का भी सिस्टम है, पहले आपको 35-40-50 दिन की मुफ्त में आपको क्रेडिट पीरियड देते हैं, फिर लत लगा देते हैं, फिर लोगों को लगता है कर दो आ जाएगी 40-45 दिन सैलरी आएगी उसमें से कटवा लेंगे, आपके लिए नहीं है, सबके लिए, आपकी तो सैलरी बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास, आपको तो ये सारी दिक्कत आती थी है ना। जी सर। अब हाँ भी नहीं बोल सकता ना भी नहीं। लेकिन हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप यूपीआई पेमेंट यूपीआई सिस्टम के थ्रू अब आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाएंगे। चोपड़ा साहब, क्या एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियों के लिए अच्छी बात है, क्या आपको पसंद है? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि जो पेमेंट्स का जो अरेना है, जो जिस एरिया में काम करते हैं, तो वो ब्रॉडन हो रहा है, और जहां तक कार्ड्स की बात करें तो अब पहले ऐसा होता था कि क्रेडिट कार्ड एक लग्जरी होती थी, अब क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों के हाथ में पहुंच गया, और अब ऐसी वेबसाइट्स आ गई, ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जो आपको वैसे क्रेडिट देते हैं, ऐप्स के थ्रू आप क्रेडिट ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल क्रेडिट कार्ड बिजनेस को देखें तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत आ गया है। आप और हम उस जमाने से शायद जब
जब बहुत कम ऑप्शंस होते थे, बहुत कम बैंक्स क्रेडिट कार्ड देते थे, फॉरेन बैंक्स देते थे, इंडियन बैंक्स बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स इश्यू करते थे, मगर अब जो मुझे लगता है कि जो पेमेंट्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो चुका है, मार्केट बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गया है, तो ऐसे में पैसे कमा पाना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा कठिन है, और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकती है एसबीआई कार्ड में, मगर बहुत ज्यादा कुछ होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, तो अभी तो फिलहाल मैं दूर रहना चाहूंगा एसबीआई कार्ड से, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं आज की डेट में, बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारे मोडालिटीज हैं जिससे हम पेमेंट्स कर सकते हैं, और उसमें क्रेडिट भी मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, बहुत सारे ऑप्शंस पैदा हो गए हैं। हाँ, थोड़ा ब्रॉडन हो गया है अगर आप पेमेंट्स करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू, वो एक अच्छी चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस ही खत्म हो जाए और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस खड़े हो जाए जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके फोन के द्वारा हो, कन्वीनियंस वो आ ही जाएगी, सब कुछ अब आप एक फोन के जरिए कर सकते हैं, कॉमन ऐप हो जाएगी आपके लिए जिससे आप सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स लिंक कर सकते हैं, तो कन्वीनियंस की बात भी है, बट फिलहाल एसबीआई कार्ड पर एक अच्छा स्पाइक आया है इस खबर आने के